नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम बढ़ारा प्रखंड के पश्चिमी गुणी पंचायत में आए हुए हैं और पश्चिमी गुणी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ सत्यदेव सिंह जी मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार दूसरी बार यहाँ के किसानों ने इनको खूब सुंदर तरीके से पैक्स अध्यक्ष बनाया है, फिर से अपना चेयरमैन मनोनीत किया है। आइए जानते हैं इतने बड़े जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जानना चाहेंगे सिंह साहब कि एक जबरदस्त जीत फिर से किसानों ने आपको दिलाई है, ये जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जनता का जीत है। अच्छा, जानना चाहेंगे चूंकि काफी ही सुंदर तरीके से आपकी लड़ाई भी हुई थी, कितने लोग आपके विपक्ष में खड़े थे? 4 लोग खड़े थे। और कितने वोटों से आप विजयी हुए? 80-82 वोट से। ये लगातार दूसरी बार आपका चुनाव है, इसके पहले भी आप पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़े हैं? इससे पहले लड़े हैं, जीते हैं। जीते हैं। पैक्स अध्यक्ष से पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? नहीं, 2 बार से हम जीतते आ रहे हैं। यानी कि शुरुआत आपका पैक्स अध्यक्ष का ही हुआ है? हाँ, पैक्स अध्यक्ष। बहुत सारी समस्या, चूँकि लगातार दूसरी बार आप पैक्स अध्यक्ष बने हैं तो बहुत सारी किसानों की समस्याओं को आपके साथ होगी, गुजरी हुई बहुत सारी समस्याएं होगी। आप चाहते होंगे कि सरकार ऐसा करता तो अच्छा होता, तो बहुत सारी समस्याओं में हम चाहेंगे कि चूँकि तमाम पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं तो क्या क्या बताना चाहेंगे सरकार की क्या क्या? ऐसा है कि पैक्स में असुविधा तो बहुत ज़्यादा है, किसान की बहुत ज़रूरत है, पैक्स में कुछ मिल नहीं रहा है। पैक्स में हम जीते तो मात्र 200 रुपया खाता में था, कि नहीं एक पैसा का लोन ऐसी मिल रहा है, नहीं कुछ पैक्स से किसान का मिल रहा है, खाद मिल रहा है, कुछ नहीं सुविधा नहीं मिल रहा है पैक्स से। जैसे कि कोई भी होता है कृषि के किसान को पैक्स के द्वारा मिलना चाहिए, तो पैक्स के द्वारा कोई हम लोग ऊपर से कोई अथी नहीं मिलता, यानी केसीसी वगैरह नहीं मिल ना, कहाँ केसीसी हो रहा है। बैंक से लोन मिलता था आप लोगों के लिए, वो सब नहीं मिल रहा ना, कहाँ लोन मिल रहा है? आदमी लिख के देता है कोई। आपने इसकी आवाज़ कभी नहीं उठाई? बहुत बार उठाए, बैंक में भी कहे कि हम लोग को लोन चाहिए, हमारे किसान जनता जो भूमिहीन किसान है, यहाँ पर दूसरे के खेत लगे लोग खेती करते हैं और वो हमारा सदस्य है, वो लोन मांगता है, सरकार बोलती है LPC लाइए, वो लोग को LPC नहीं मिलता है, इसलिए लोन नहीं हम लोग करा पाते हैं, बहुत सब दिक्कत है। LPC क्यों नहीं मिलता है? LPC उनके पास जमीन है नहीं, दूसरे के खेत लेकर खेती करते हैं वो, उनको सरकार सुविधा देती है, दहार सुखार सब मिलता है, लेकिन पैक्स की तरफ से नहीं उनको खाद चाहे कोई भी मैंने हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए लेकिन नहीं पैक्स में कोई सरकार से रुपया मिलता है काम करने के लिए, नहीं कोई तरह के लोन है जिससे आदमी काम आगे बढ़ा सके किसान का। आपके अनुसार क्या होना चाहिए जिससे किसानों को बेनिफिट हो? किसानों को बेनिफिट होना चाहिए जिससे पैक्स का कुछ इसमें ये रहता कि किसान ये है किसान वो है, किसान तो सरकार पहचानती नहीं है, जो भरता है उसको भी देती है किसान, तो पैक्स तो जानता है गांव में कौन कौन किसानी कर रहा है, कौन कौन खेती कर रहा है, तो उसका लाभ उसको नहीं मिलकर दूसरे को लाभ मिलता है और किसान वैसे ही रह जाती है, यानी कि किसान को सेवाओं से वंचित रखा जाता है। हाँ, बहुत से किसान सेवाओं से जो मूल रूप से किसान है वो वंचित रह जाते हैं, जो ऐसे है उनको सरकार ही कर देती है। गोदाम बना है? नहीं, गोदाम नहीं बना, गोदाम के लिए लिख के हम दिए 2-3 बार दिए, जमीन की उपलब्धता नहीं है, तो बोले कि अध्यक्ष नहीं दे सकते हैं जमीन, इसलिए नहीं हुआ, फिर अब बोल रहा है लोग इस समय जीते हैं तो विश्व साहब बोले कि ठीक है जमीन के ऊपर का ही हम गोदाम बनवाते हैं, या हमारा धान होता है ये पूरा धान होता है फसल में, धान खरीदने के लिए बोलते हैं तो लोग बताया कि बढ़ारा बाढ़ क्षेत्र है, जब हर किसान को यहाँ पर धान होता है। जबरदस्त लड़ाई आपके बीच है चूँकि किसान काफी परेशान है। हाँ। और आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपना नेता हाँ। चुना है, आपको हाँ। चेयरमैन बनाया हाँ। है, तो निश्चित तौर से किसानों की हक की लड़ाई आपको तो हाँ, लड़ना है, तो हमें जहाँ तक विश्वास है कि आप लड़ भी रहे हैं और लड़ेंगे भी। हाँ, लड़ेंगे भी। बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख रहे हैं, सत्यदेव सिंह जी हैं और ये मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी गुड़ी पंचायत है और पश्चिमी गुड़ी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष दूसरी बार चुने गए हैं। अपने ईमानदारी से, अपनी कर्मठता और कुशल व्यवहार के बदौलत यहाँ के किसानों ने, यहाँ के आम जनता ने, मजदूरों ने, सारे लोगों ने मिलकर जबरदस्त तरीके से दूसरी बार इनको अपना चेयरमैन बनाया है। लेकिन बहुत सारी किसानों की परेशानी लेकर ये चिंतित है। अभी आपने देखा कि इनके पास गोदाम भी नहीं है और हर 2-4 दिन पर बारिश हो जाती है जिससे किसान की फसलें बर्बाद हो जाती है, जो भी उनका अनाज होता है कहीं ना कहीं स्टोर करने का जगह नहीं रहेगा तो निश्चित तौर से बर्बाद होगा। तो इस वेस्टेज को बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि पंचायत में यदि पैक्स के पास गोदाम नहीं है तो गोदाम की व्यवस्था करें। गोदाम की व्यवस्था है, लोन पब्लिक का है, किसान का है, जो
छपता रहा है लोन के लिए, उसको लोन की सुविधा कराए। निश्चित तौर से किसान क्रेडिट कार्ड की भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, केसीसी नहीं मिल रहा है, किसान को लोन नहीं मिल पा रहे हैं, तो किसान कहां से कैसे। यदि किसान इतना सक्सेसफुल होते तो वो फिर ये भयावह स्थिति उनकी नहीं होती। जैसे कि सिंह साहब ने बताया, आपने देखा कि वैसे लोगों को लोन प्रोवाइड हो रहा है जिनकी जमीन है। ऑथेंटिक बात यह है कि वो किसान नहीं है, किसान जो दूसरे की जमीन लेकर खेती कर रहे हैं वो किसान है, और किसान मर रहे हैं, जमींदार ऐश कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में सरकार को ध्यान देना चाहिए और बारीकी से समझना चाहिए कौन किसान है और किसे केसीसी मिलना चाहिए। अब उनके पास एलपीसी नहीं है, एलपीसी कहां से होगी, उनकी जमीन नहीं है, तो वो तो बेचारा दूसरे का खेत लेके खेती कर रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में जब उनको लोन नहीं मिलेगा तो वो खेती कैसे करेंगे, तो फिर वो मजदूर बन के रह जाएंगे। इस तरह की बहुत तरह भयावह स्थिति है, हर पंचायत में लगभग देखी जा रही है। सिंह साहब ने इस चीज़ को ओपन किया कि सरकार को चाहिए कि जो ऑथेंटिक किसान है, जो सही मायने में किसान है, उन लोगों को लोन मिलना चाहिए। और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, आप देख रहे हैं, चूँकि किसान यदि खुशहाल नहीं रहेंगे तो कहीं से भी कोई भी व्यक्ति खुशहाल नहीं रह सकता है। चूँकि किसान जो होते हैं वो अन्न उपजाते हैं, जिस अन्न को हम लोग खाते हैं पूरा देश खाता है, पूरा राज्य खाता है, और वैसी स्थिति में यदि किसान खुशहाल नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी सबके साथ होगी। तो सरकार को चाहिए कि इन सारे गतिविधियों पर ध्यान दे और किसान कैसे खुशहाल रहे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे। परेशानी यही है कि एक साल पहले सरकार ने अनाउंस किया कि हरियाली योजना में ईद देंगे, आपको कुछ नहीं दिया, हवा हवाई हो गया, नहीं ट्रैक्टर दिया, नहीं मशीन दिया, कोई यंत्र दिया, कोई सरकार का, यहाँ सरकार चल रही है लेकिन पैक्स पर कोई सरकार की ध्यान नहीं है, कोई जनजीवन हरियाली के कुछ नहीं, खाली पेपर में हो रहा है। हम लोग को कोटेशन भेजा गया था कि मशीन कौन कौन देंगे, ट्रैक्टर देंगे आपको खेती कराने के लिए, ये करेंगे, वो सेट बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। एक साल से कोटेशन लेकर अब बैठ गए, इसके लिए कुछ नहीं इसमें हुआ, सरकार इसमें कुछ नहीं दे पाई। बिहार सरकार तो कुछ देख ही नहीं रही कि पैक्स चल रहा है, क्या हो रहा है। पैक्स पैसा रहे तो पैक्स बहुत अच्छा करेगा बाबा, लेकिन करेगा आदमी बिना पैसा के अभाव में क्या कर सकता है। कितनी भयावह स्थिति है, जैसे कि अभी पैक्स अध्यक्ष की नाराजगी कही जाएगी। आपने देखा सत्यदेव सिंह जी काफ़ी ही सुंदर तरीके से अपने पंचायत की देखरेख कर रहे हैं, इतनी भयावह स्थिति में भी यहाँ के किसानों ने इनको मत दिया। आप सोच सकते हैं कि कितना कष्टदायक ये पंचायत है, जहाँ पे इनके पास 200 कुछ रुपया बता रहे हैं कि फंड में है, 245 रुपया मैं खरीदारी कैसे करूँगा, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने बताया कि एक साल पूर्व बिहार सरकार के द्वारा जनजीवन हरियाली के तहत ट्रैक्टर और बहुत सारे यंत्र देने की बात की गई थी, जो कि हवा हवाई हो गया, कहीं पर धरातल पर बात नहीं होती है, सिर्फ बात कागजी हो रही है, लेकिन कोई भी धरातल पर बात नहीं होगी तो कहाँ से किसान की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। पैक्स अध्यक्ष चिल्लाते रह जाते हैं, पैक्स अध्यक्ष की आवाज़ सुनने वाला कहाँ कोई है, किसान सलाहकार ही सब कुछ है, तो फिर पैक्स अध्यक्ष का रोल क्या है। ये सरकार से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है पैक्स अध्यक्ष का, कि आखिर सरकार इस तरह क्यों कर रही है, चूँकि ऐसे करेगी तो फिर किसानों को हम लोग देख रहे कैसे कर पाएंगे, फिर किसान की अध्यक्षता हम कैसे कर पाएंगे। तो सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से सुख तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ, थैंक यू।